फिरोजाबाद में आज देर रात एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप कि डॉक्टर द्वारा ऑक्सीजन लगाने के दौरान ही मौत हुई है। मामला थाना रसूलपुर के लक्ष्मी फाउंडेशन 10 वर्षीय निमोनिया के चलते 21 दिसंबर को भर्ती करवाया था, जिसमें कल देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही का आरोप बताया है। इतना ही नहीं, मगर परिजनों ने माने तो इनके बच्चों की मौत के बाद बिना बताए शव को पिछले गेट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में रखवा कर डॉक्टर मौके पर फरार हो चुके हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। ये मामला हॉस्पिटल के पहली बार नहीं हुआ, इसमें पूर्व भी इस हॉस्पिटल में कई मौत हो चुकी हैं, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से संजीव वर्मा की। 21 तारीख भर्ती कराया है। कौन से हॉस्पिटल में? लक्ष्मी फाउंडेशन में भर्ती कराया था। क्या दिक्कत थी इसको? निमोनिया आ गई यार। तो आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ इसके साथ? काम आ रहा हूँ। आपको क्या मिला यहाँ आए तो? क्या मिला यहाँ आए तो? बॉडी बाहर मिली है। बॉडी बाहर मिली है, अंदर ना मिली। तो क्या मानते हैं आप इसे? क्या मानते हैं कि लापरवाही की वजह से मौत हुई? लापरवाही है ना। जबरदस्ती वो कर रहा है। दादा 100 नंबर पर किस तरह की सूचना आई थी? हमारे 100 डाल पर सूचना मिली थी कि लक्ष्मी फाउंडेशन हॉस्पिटल नगला बली के पास में रॉकी नाम के कॉलर ने सूचना दी थी एक व्यक्ति उपचार के दौरान की मृत्यु हो गई है। यहाँ आके हमने देखा तो उसके परिजन, उसके पिता वीरेंद्र और उसकी माँ और परिजन द्वारा बताया गया कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण हमारी बच्चे की मृत्यु हुई है। कितना बड़ा बच्चा था और कितनी उम्र होगी? उम्र करीब 14 साल है बच्चे की, और ये करीब 6 दिन से भर्ती था, 21 तारीख से भर्ती था। उपचार चला है और चल भी रहा था। किस तरह की कार्रवाई की गई है डायल हंड्रेड ने? हमने इनसे परिजनों से पूछा है और हमारे उच्च अधिकारी भी आए गए हैं और इनके परिजनों को स्वतंत्रता दे दी गई है। आप चाहें तो पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई कर सकते हैं डॉक्टर के खिलाफ।